हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज मैं आपको क्विक टूर कराने वाली हूँ ग्लोबल फूड मार्ट का, जो कि एक ऑल काइंड ऑफ एशियन फूड मार्ट है और ये लोकेटेड है सुवोन में। और यहाँ पर आपको इंडियन एंड पाकिस्तानी ग्रॉसरी आइटम मिल जाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आज हमें यहाँ पर क्या क्या मिलता है। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप जान सकें कि कोरिया में इंडियन फूड किस प्राइस पर मिलता है। तो चलते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे थे राइस एंड आटा। यहाँ पे जनरली आपको राइस, आटा, सूजी एंड मैदा, बेसन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई मिलती है। तो ये रखा है, कुछ सूजी है, बेसन है एंड राइस फ्लावर है। और इस समय कोरिया में आटा नहीं मिल रहा है, आटा की शॉर्टेज पड़ी है। और इनसे पूछे तो ये लोग बताए कि पहले इंडिया वाले खाएंगे, देन उसके बाद बाहर वाले खाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आटा अवेलेबल है, राजधानी आटा, जो कि 5 kg का है। और ये जो है आपको इंडियन रुपीज में 627 रुपये का पड़ेगा, 5 kg आटा 627 रुपये का, और कोरियन करेंसी में 10,000 won का है। और यहाँ पे रखे हैं कुछ राइस, जिसमें इंडिया गेट है और अलग अलग तरीके के राइस है, मतलब अलग अलग ब्रांड के हैं। तो जो इसमें जो सबसे सस्ती राइस है, मैं उसकी प्राइस आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे जो सबसे सस्ती राइस है श्री लाल महल नीलम राइस, वो है 4,999 won की 1 kg, जो कि इंडियन करेंसी में पड़ेगी 313 रुपये। और ये देखिए इधर की रो अभी खाली है, इधर ये लोग थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं इधर, नहीं तो ये भरा रहता है। और यहाँ पे आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ जो मेन चीज़ें हैं उसकी प्राइस मैं आपको बता दूँगी। और यहाँ पे सामने इधर लगे हैं कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट, जिसमें क्रीम है, ऑयल है और कुछ फ्रेग्रेंस वगैरह रखी हुई है। और ये जो कोकोनट ऑयल आप देख रहे हो वो 200 ml की है, जो कि 313 रुपये इंडियन करेंसी में होगी, 313 रुपये की है, और कोरियन करेंसी में 5,000 won की। एंड आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे है कुछ घी, जो कि दो वैरायटी की है, एक अमूल है और एक अमूल प्योर काउ घी है। और इसके जो प्राइस है, जो छोटी वाली कंटेनर है, मैं उसकी प्राइस बता देती हूँ। तो जो 452 ग्राम की है और वो पड़ेगी 658 रुपये इंडियन करेंसी में। और यहाँ कुछ टी है, जिसमें टाटा गोल्ड है, टाटा टी अग्नि है। और ये जो टी है, ये जो सबसे छोटी वाली पैकेट है 450 ग्राम की, वो कोरियन करेंसी में 30,000 won की है और इंडियन रुपीज़ में आपको 814 रुपये की पड़ेगी। और यहाँ पे लगी हुई है कुछ दालें, जिसमें मूंग दाल है, मसूर दाल है, काली मसूर दाल है, अरहर दाल है। और ये है नारियल पाउडर एंड ये इधर की रो थोड़ी खाली हो रखी है। और ऊपर दिस इज द बीकानेर भुजिया। और ये अगेन कुछ दाल है। और यहाँ जो सबसे महंगी दाल होती है वो है मूंग दाल, जो कि 800 ग्राम की होती है और ये 626 रुपये इंडियन करेंसी में मिलती है। और यहाँ पे प्रोसेस फूड है, जैसे कि ये है दाल मखनी, पालक पनीर, तो इसको ओनली माइक्रोवेव करना होता है। देन यहाँ पे अगेन कुछ दालें हैं, जिसमें कि ये मसूर दाल है, जो कि 800 ग्राम है और ये इंडियन करेंसी में 219 रुपये की होगी। चना दाल 1 kg 219 रुपये में, अरहर दाल 1 kg 313 रुपये में है। तो यहाँ पे इसी प्राइस में दालें मिलती हैं। और एंड दिस इज़ द पोहा, और ये पोहा 300 ग्राम का है, जो कि 156 रुपये इंडियन करेंसी में।
और कोरियन में 2499 वॉन की है। और ये रहा साबूदाना एंड दलिया, तो इनकी जो प्राइस होती है लगभग ऐसी ही होती है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको हल्दीराम की नमकीन मिल जाएंगी जो कि कई फ्लेवर की है। और यहाँ पे जो प्राइस है वो इंडियन करेंसी में मतलब 100 रुपीज़ के ऊपर पे ही है। आपको एक छोटी सी पैकेट यहाँ पे 100-200 ऐसे ही मिलेगी, यानी कोरियन वॉन में आप देखोगे तो 3000-4000 मतलब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे कम से कम 5000 वॉन की तो मिलती है। और यहाँ पे कुछ और नमकीन वगैरह रखी हुई है। अभी आज यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, अभी शायद ये लोग लगा रहे थे क्योंकि बहुत सारा सामान आके रखा हुआ था, तो यहाँ पे बहुत सारी रोक खाली थी। और यहाँ पे हैं फ्रोजन फूड और ये रहे कुछ ड्रिंक वगैरह जो कि बाहर से लेना ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा वैरायटी नहीं है यहाँ पे ड्रिंक की, तो यहाँ पे कुछ कॉफ़ी वगैरह रखी है, कोल्ड ड्रिंक है एंड डेट है। और यहाँ पे नॉन वेज आइटम है, तो यहाँ पे हलाल भी मिल जाता है, तो जो पाकिस्तानी लोग होते हैं वो हलाल खाते हैं, तो यहाँ पे ये लोग हलाल भी रखते हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ वेजिटेबल्स हैं जिसमें ओकरा है, कॉलीफ्लावर है, बीन्स है, स्पिनिच है एंड मिक्स वेज चाइनीज, जो चाइनीज मिक्स वेज आती है वो। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगी ये सारी फिश और जिनके प्राइस लिखे हुए हैं कोरियन वॉन में है ये, तो यहाँ पे कुछ कुछ फिश भी मिल जाएंगी आपको। तो अगर आप खाना पसंद करते हो फ्रोजन फूड तो आप ले सकते हो यहाँ से। अगेन यहाँ पे कुछ नॉन वेज आइटम हैं और हम यहाँ से ले रहे हैं भिंडी एंड बीन्स। और ऊपर देखिए ऊपर कुछ स्पाइसेस रखे हुए हैं। दिस इज द नॉन वेज, दीज आर वैरायटी ऑफ नॉन वेज। जिसमें कि आपको चिकन मटन और भी कुछ कुछ नॉन वेज है, तो अगर आप खाना पसंद करते हो फ्रोजन नॉन वेज तो आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पे कुछ चपाती वगैरह है, अगर आप चपाती नहीं बनाना चाहते हो या नहीं बनाने आता है तो आप यहाँ से ले सकते हो, बस उस पर सेक के तवे पे सेक के आप खा लो, लेकिन ये मैदे की होती है। और यहाँ से हमने लिया बीन्स और भिंडी, जो कि हमें भिंडी पड़ी थी 344 रुपये जो कि कोरियन वॉन में हो जाएगा 5499 1 kg, और बीन्स थी 4499 जो कि इंडियन रुपीज़ में हो जाएगी 281 रुपये। और यहाँ पे फ्रोजन समोसा एंड वेजिटेबल्स और कुछ स्नैक्स आइटम हैं जो कि फ्रोजन है, तो ओनली आपको फ्राई करना है और खाना है। और यहाँ पे हैं कुछ स्पाइसेस, तो यहाँ पे आपको खड़े मसाले भी मिल जाते हैं, जो होल मसाला होता है होल गरम मसाला वो मिल जाता है, जिसकी पैकेट होती है 100 ग्राम की और वो इंडियन करेंसी में हो जाती है 344 रुपये। तो ये देखिए कुछ कुछ मसाले इधर लगे हुए हैं। और ये अगेन ऊपर कुछ मसाले हैं जिसमें कि धनिया पाउडर है और ये कड़ी पत्ता है, सूखी हुई कड़ी पत्ता यहाँ पे ऐसे तो मिलती नहीं है, सूखी हुई होती है, तेज पत्ता है एंड नीचे है अचार। ये सारे पिकल्स हैं जिसमें कई वैरायटी के पिकल्स हैं, और साथ में यहाँ पे गार्लिक पेस्ट भी रखा हुआ है। तो ये रहे हमारे आम के अचार, लेमन पिकल, मिक्स्ड पिकल,
यहाँ पे पिकल वगैरह भी मिल जाते हैं। और ये सामने लगे हुए हैं बहुत सारे मसाले, जिसमें कि किचन किंग का सामी कबाब और बहुत सारे हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पे कुछ हमें जो मेन मेन मसाले में उनके प्राइस बता देती हूँ आपको। तो ये जो रेड चिली पाउडर है 200 ग्राम की, वो आपको मिल जाएगी इंडियन करेंसी में 375 रुपये की। एंड कोरिएंडर पाउडर मिल जाएगी आपको 200 ग्राम 281 रुपये में। एंड टर्मरिक पाउडर 200 ग्राम आपको मिल जाएगी 219 रुपये में। तो जो मसाले होते लगभग इसी प्राइस पे आपको मिलते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, और यहाँ पे चीज़ें ऐसी होती है। आई होप यू एंजॉय माय वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।